ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਬੈਸਟ ਪੋਸਿਬਲ ਹਾਂਜੀ समस्या मैडम जी मेरे घर वाला हैंडीकैप है नहीं चले नहीं जाता ठीक है तो लेकिन मैं कहनी मेरा कोई हल करो मेरे बच्चे छोटे हैं हो जाएगी तो मतलब कि मकान मेरा चौंता है तो कहते कोई नहीं हल करते हैं कुछ ना कुछ खुशी हुई है हर एक डिपार्टमेंट के अफसर साहबान इतने आए और मौके के लोगों की जो शिकायत वो सुन रहे हैं और उन्होंने नोट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के लिए हम बहुत बहुत गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं कि एक छोटे से गांव में आके सारा सिस्टम आके बैठा है और इस पर हर एक चीज़ का सोल्यूशन कर रहे हैं इसके अलावा भी लोगों की काफ़ी समस्याएं थी किसी की पेंशन का इशू है किसी का 5 मरले प्लॉट का इशू है किसी को कोई ग्रांट नहीं मिल रही है तो वो सारी चीज़ें इधर जो भी नोट कर ली गई हैं सबका सोल्यूशन होगा सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो कि आरटी न्यूज़ नैटवर्क देश की आवाज़ मैं हाँ तुहाडे नाल मैं रंधावा दस दिए कि अज पिंड फूल प्यारा सुजानपुर का पिंड फूल प्यारा जिथे कि KRT इंडस्ट्री के कैंप लगाया गया दस दिए कि लोगों की कई तरह की समस्या ने कई तरह की समस्या ने चाहे वह पी पानी दे पीण वाले पानी को लैके होए चाहे वह सीवरेज को लैके होए चाहे वह सड़कों लैके होए चाहे वह नालियों लैके होए चाहे OPS का मुद्दा होए हर तरह की समस्या को लैके अज इत्थे KRT इंडस्ट्री के कैंप लगाया गया तुसी आ तस्वीर देख सकते हो मैं कैमरा परसन को गुजारिश करांगी एक बार कि तस्वीर एक बार विजुअल्स दिखान कि किस तरीके दे नाल इत्थे लोग जिहड़े ने पिंड दे लोग ने आले दुआले पिंड दे नाल लगदे होर कई पिंडां दे लोग ने जिहड़े अज इत्थे इकट्ठे होए ने ते अपनियां समस्या जिहड़े ने उह इहनां दे मूहरे रख रहे ने दस दईए कि इत्थे पटवारी भी मौजूद ने कई कई होर वड्डे अधिकारी भी मौजूद ने SDO मौजूद ने BDPO मौजूद ने फूड इंस्पैक्टर मौजूद ने कई तरह के होर वड्डे अधिकारी जिहड़े ने उत्थे मौजूद ने लोग जिहड़े ने अपनी समस्या इन्हां दे अगे रख रहे ताकि वह जल्द ही निपटारा किया जा सके तो दस दिए कि बहुत वधिया जिहड़ा एक वड्डा उपराला इत्थे किया गया तो कई तरह की समस्या जो लोगों को पेश आउंदियां ने जिहड़ी चीज़ों तो लोग वंचित रहने ने वो अज इत्थे इन्हां दे सामने जिहड़ा वो रखिया जा रही ने समस्या कई तरह की समस्या है चाहे वह ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा होए जां फिर वो सड़कों का मुद्दा होए जां कच्चे मकान पक्के मकान करन दी ग्रांटां नूं लैके चाहे मुद्दा हो हर तरह की मुश्किल जिहड़ियां लोगों को पेश आ रही ने वो इत्थे जिहड़ियां ने वो दसियां जा रही ने सब तो पहले आपां लोगों नाल गलबात करांगे तो लोगों को जानांगे कि आखिरकार होर कीड़ियां समस्यावां ने सब तो पहले शुरुआत करांगे सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी की कहना चाहते हो अज इत्थे जिहड़ा बहुत वधिया उपराला किया गया KRT इंडस्ट्री दे विच कीड़ी समस्या जिहड़ी तुसीं इहनां दे अगे रखी ते इहनां ने आश्वासन दित्ता है कि आपां हल करा दांगे असी समस्या रखी है कि बेटी जी की शादी पैसे नहीं मिले अभी अच्छा। तक नहीं मिले 5-6 साल हो गए नहीं मिले शगन स्कीम नहीं मिले तो इस वास्ते आया अगे हर मकान भी सारे
छत छुत किरे कर डर लगता। मेरे दोतरे दो धी भी बेटी भी इतने बैठे रही है। हाँ जी हाँ जी लिखाई है करा देंगे अभी करा देंगे। बहुत अच्छा लगा था आप अक्सर वेखते हैं कि कई कई जिथे सरकार कठिया होंगे ने ज फिर कोई पार्टी का बंदा नुमाइंदा आके मुश्किल सुनता है। अज थोड़े सारे दे एक कैंप इतने लगाना के आर टी इंडस्ट्री के ताकि आराम नाल प्रॉब्लम जी सुनिया जा सके। अच्छा लगा सोहना लगा तो होर भी लोगों के नाल गलबात करा तो होर लोगों को जानेंगे कि आखिरकार कि समस्या आ रही थानू कि समस्या सी मेरे घर वाला हैंडीकैप है मैं चले नहीं जाता ठीक है लेकिन मैं कहनी मेरा कोई हल करो मेरे बच्चे छोटे हैं हो जाएगी तो मतलब कि मकान मेरा चौंदा है तो कहते कोई नहीं हल करते हैं कुछ ना कुछ फिर दवावे तो पता नहीं दवाते कि लगे कैंप च आ गए क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि एक ग्राउंड फिर कित ऑफिस कित भी चल जाओ उ बहुत लोग जमा होंगे मौका नहीं मिलता समस्या सुन समस्या अपनी दसन के लिए ऑफिसर्स तक अज इतने कैंप लगया गया बहुत घट गिनती के लोग चुनिंदा लोग जे इतने आए हैं थोड़ी समस्या भी प्रॉब्लम जो सुनिया जा रही है अच्छा लगा तो खैर लोगों ने गलबात की है लोग बहुत खुश ने। खैर आप हूँ अगे इन्हों को चलते हैं कि होर भी लोगों को जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्या इन्होंने पेश आ रही है तो की कुछ हल हो समस्या से थोड़ी राशन कार्ड की समस्या है लिखवाता अपना ना लिखवा कंधे बन जाएगा किमें उपराला लगे कैंप लगाया लगा तो चंगा है बन जाएंगे तो चंकी गल इधर आयो पापा जी की कहना चाहते हो किमें उपराला लगे पेंशन लगनी चाहिए थी तो लगी और लगी नहीं पर हूँ इतने तुम कंप्लेन लगवाई ठीक है मतलब छे महीने घट है छे महीने तक आ जाएगी ठीक है उम्मीद है कि आ जाएगी वधिया लगे इतने आके हाँ सुनी है तुम्हारी प्रॉब्लम वधिया तरीके किस तरह अफसर अफसर जड़े किस तरह पेश आए ठीक है वधिया सुनी है हर हर गल ता लोग जड़े ने वो बहुत खुश ने ते कैंप नू लैके कह रहे हैं कि हर तरह की समस्या जी है इतने सानू जो पेश आ रही वो हल जड़ा करवाउन दा आश्वासन दिता गया। मैडम की नाम थोड़ा पिंकी कितों दे रहन वाले फूल प्यारे दे फूल प्यारे दे अज इत्थे कैंप लगाया गया वधिया उपराला किया गया कि लगता है कि समस्या जी थानू आई सी तुसीं अगे उन्हां नू दसी है जल्द हल करवाउन दा आश्वासन कि समस्या पर दसो समस्या घर की प्रॉब्लम ही दसी है जो मतलब हो सकता है कर देना की प्रॉब्लम सी मतलब साढ़े रोजगार ही है मतलब बैठे दे घर भी वेले बैठे दे आपू भी बच्चिया है तो थोड़ा कुछ साढ़े वास्ते हो सकता इन्होंने को कर देंगे बस इन्नी यही मंग कर दियो की कहते ने तुसी लिखवाया सानू कहंदे ते पे है भी कोई गल नहीं अहीं कर दांगे। किधर लगे कैंप च आके कि जिद्दां तुहाडी प्रॉब्लम सुनी गई है इन्ना समा मिलदा नहीं है तुसी किते भी चल जाओ किसी होर दफ्तर से चल जाओ लोगों जो कह जो सच्चाई है लोगों धक्के खाने पैंदे बट अज इत्थे चुनिंदा लोग आए ने समस्यावां तुहाडी जिहड़ियां सुनी जा रही ने बहुत अलग जिहा लगता बड़ा अच्छा लग्या आके सुनिया उन्होंने बड़े प्यार नाल तरीके नाल सुनिया कि हर किसी की प्रॉब्लम समझी है कहिंदे कोई नहीं मतलब जो साढ़े कोलों हल कर बेस्ट पॉसिबल। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग जड़े ने बहुत खुश ने ते जो लोगों की अक्सर वेख्या जाता है कि कई दफ्तर च रश बहुत होंदा है लोग अपनी समस्यावां जड़ियां ने वो दस नहीं पाते बट अज सुजानपुर फूल प्यारा विखे जी के आर टी इंडस्ट्री है उत्थे समस्यावां जड़ियां ने वो लोगों ने इन्हां ऑफिसर्स के मूहरे रखिया ने। इत्थे खैर आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज ठाकुर अमित सिंह मंटू भी मौजूद ने उन्हां नाल भी गलबात जरूर करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तुसीं अज इत्थे आए हो के आर टी इंडस्ट्री के कैंप लग्या है लोगों की जिहड़ी समस्यावां ने वो रख रहे ने ऑफिसर्स के मूहरे की लगता है थानू किस तरह का उपराला जो किया गया। सब तो पहले तो मैं अपने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ पंजाब सरकार का जिन्होंने अपने हर एक पिंड दे विच जिहड़े शिकायत निवारण जिहड़ा कैंप लगाया जा रहा जिहदे सारे तहसीलदार साहिबान SDM साहिबान और तमाम महकमे के जिहड़े अफसर साहिबान इत्थे पहुँचे है और खास करके अज फूल प्यारे दे विच KRT इंडस्ट्री दे विच जिहड़ा कैंप लगाया गया और मैं देखिया इत्थे काफ़ी पिंड दे लोकां ने अपनियां समस्यां दसियां और तहसीलदार साहब ने दस्सिया भी जिहड़ी मैक्सीमम जिहड़ी समस्यावां आईयां लोकां दीयां इक ते जिहड़े राशन कार्ड जिहड़े गलत कट्टे गए लोकां दे गरीब परिवारां दे वो बहुत वड्डे पद्धर ते यानी कोई धांधली हुई है किसी
मुलाजमान ने कि गलती के कारण जो कार्ड कटे गए हैं और इन्होंने प्रॉपर वो लिस्ट बनाई है और बड़ी जल्दी जो इन्होंने कार्ड जो बहाल किए जाएंगे। उस तो बाद जिहड़ियां किसी भी तरीके दी अगर कोई शिकायत कोई पेंशन या कोई बंद है वो सारिया लोगों ने दसियां और बड़ी जल्दी मैं बड़ी खुशी हुई है हर एक डिपार्टमेंट के अफसर साहबान इतने आए और मौके के लोगों की जिहड़ियां शिकायत वो सुन रहे हैं और उन्होंने नोट कर रहे हैं और बड़ी जल्दी उस सरकार के दिशा निर्देश के अंदर जिस तरह सरकार ने अपने हुक्म दिए है जारी किए भी जिहड़ी सरकार है ये लोगों के घर घर जाएगी। सत्ता दे विच हो तुसीं भी हल कराने की कोशिश करोगे? देखो असी तो हर रोज़ लोगों दी समस्यावां सुनने उन्होंने हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं पर सब तो बड़ी उपराला जिहड़ा सरकार दा भी हर एक अफसर साहबान जिहड़े लोगों के घर घर जाके पिंडा पिंडा जाके लोगों को पुछ रहे भी तुहानू की समस्या है ये बहुत वधिया गल है और मैं खास करके अपने हल्का सुजानपुर की तरफों अपने जिला पठानकोट की तरफों मैं सीएम साहब का बहुत धन्यवादी हाँ भी जिहड़े इस तरह लोगों की समस्यावां सुन रहे हो। अक्सर वेख्या जाता मंटू जी होर जां किसी होर सरकारी दफ्तर के बहुत रश हों लोग अपनी ये समस्या जोड़े उन्होंने मूहरे नहीं रख पाते बट अज चुनिंदा लोग आए ने अपनी समस्यावान लैके दस रहे ने मतलब ऑफिसर्स कि ये समस्या ने तो लोग बहुत खुश ने कह रहे हैं कि बहुत प्यार समस्यावान सुनिया ने उसका हल कराने का आश्वासन भी जोड़ा वो दिता गया। देखो बहुत वधिया गल है यही गल अगर दफ्तर जिदा पहली सरकार जाया जाता है तो लोगों की पूरी एक दिन लग जाता है और लोग बहुत हरासमेंट होंगे सी। अज सारे लोगों ने अपनी जिहड़ियां समस्यावां इत्थे दसियां अफसर साहबान ने नोट कीतियां और साडे वीडियो मैम जसवीर कौर भी इत्थे आए हैं उन्होंने रिलेटिड भी लोगों ने अगर कोई समस्या आती है उन्होंने भी वह भी रखी हैं और बड़ी जल्दी मैनू यकीन है कि सारे साडे अफसर साहबान बहुत मेहनती है और लोगों ने समस्या बड़े ध्यान नाल सुनिया और बड़ी जल्दी जिहड़ा निवारण किया जाएगा। और यहाँ पर केआरटी न्यूज़ के सीईओ कुंवर रोहित ठाकुर भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या कहना है इस काम के बारे में जो आज एक अच्छा उपराला किया गया है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं समस्याएं जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं? पहले तो मैं पठानकोट प्रशासन SDM साहब का DC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे गाँव के लिए जो स्पेशल एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर्स अपने BDO मैडम और तहसीलदार साहब आए हैं फूड इंस्पेक्टर आए हैं और बाकी जो आंगनबाड़ी से लेके हर एक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स इधर आके हमारे बीच में आके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बेसिकली लोगों की ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं हैं एक गरीब कोई है अगर उसका राशन कार्ड नहीं है या कट गया किसी रीज़न से और उनके कमाने वाला घर पर कोई नहीं है तो ये इस तरह की समस्या है कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं जा सकते अपनी समस्याएं लेके। इनके लिए जो गवर्नमेंट डोर स्टेप पे आई है आज वो बहुत बड़ी बात है कि एक गरीब तबके के लिए जिसको कोई फैसिलिटी नहीं है उसको फैसिलिटी मिलेगी और इधर से जो एक बार जिसकी भी कंफर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए ऑर्डर्स निकलेंगे और उनको 100% फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलेगी ये बहुत बड़ी बात है। ये गवर्नमेंट के लिए हम बहुत बहुत गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं कि एक छोटे से गांव में आके सारा सिस्टम आके बैठा है और इस पर हर एक चीज़ का सोल्यूशन कर रहे हैं। इसके अलावा भी लोगों की काफ़ी समस्याएं थी किसी की पेंशन का इशू है किसी का 5 मरले प्लॉट का इशू है किसी को कोई ग्रांट नहीं मिल रही है तो वो सारी चीज़ें इधर जो भी नोट कर ली गई हैं सबका सोल्यूशन होगा। साथ में डेवलपमेंट के लिए भी हमने कुछ बात करी है जैसे स्कूल था गाँव में स्कूल अभी हायर सेकेंडरी में हो जाए उसके लिए भी बात हुई है रोड के लिए बात हुई है कम्युनिटी हॉल के लिए बात हुई है मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई है। तो बेसिकली हमारी कोशिश यही है कि गांव में जो भी पॉसिबल हो सके डेवलपमेंट के काम हो लोगों को आसपास के लोगों को भी फैसिलिटी मिले और हर एक गरीब तबके के साथ सरकार भी हेल्प करे और हमारे जैसे कोई बुद्धिजीवी जो हैं जो अपनी साइड से कोई एफर्ट कर सकते हैं वो आके करें और सबको एक साथ में लेके चलें और हर किसी का थैंक्स मैं करना चाहता हूँ जो भी इस कैंप में आया मेनली हमारे हल्का इंचार्ज ठाकुर अमित मंटू भी साथ में बैठे हैं और इन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो भी इनको समस्याएं बताई गई हैं उसका सारा सलूशन। कुंवर जी आप कुवैत रहते हैं और अक्सर देखा जाता है कि आप ग्राउंड से बहुत जुड़े हुए हैं स्पेशली अपने गाँव के साथ बहुत जुड़े हुए हैं बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा स्टार्टिंग से ही एक पर्पस था कि अगर हम कहीं भी दुनिया में किसी कोने में बैठे हैं अगर हमने कुछ स्ट्रगल करी है कुछ एक पोजीशन पे अगर आए हैं कि इस सिचुएशन में कि किसी का हम हाथ पकड़ सकें उसकी सपोर्ट कर सकें तो वो हमारे 200% करना चाहिए और हमारी यही सोच है कि हम लोगों के बीच में रहें और जितना किसी को सपोर्ट कर सकें तो उसके लिए हम रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो
ये थे हमारे साथ के आर टी न्यूज़ नेटवर्क के सीईओ कुंवर रोहित ठाकुर। खैर अज जिहड़ा ये कैंप लगे बहुत वधिया उपराला जिहड़ा उह कीता गया। खैर कई तरह के लोगों समस्यावां चाहे वह कच्चे मकान पक्के मकान नूं लैके होए चाहे ओपीएस नूं होए होर कई समस्यावां जिहड़ियां ने इस कैंप दे विच लोगों ने इन्हां दे सामने रखियां ने ते हल करवाउण दा आश्वासन भी दिता गया है जल्द ही हल करवा दिता जाएगा। खैर अज लई इन्ना ही, दिओ मैनूं इजाजत। नमस्कार।